बेहतरीन ये चेक करें, यही तो हम अक्सर यूट्यूबर ने लगाया होता है। सर अस्सलाम वालेकुम, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उर्दू में अपने थंबनेल पे किस तरीके से लिख सकते हैं पिक्सल लैब में। ठीक है, पिक्सल लैब ऐप ओपन की हुई है, इसमें मैं गया हूँ फॉन्ट में, तो यहाँ पे चेक करें मैंने लिखा हुआ है फॉन्ट। तो काफ़ी यूट्यूबर जो है ना उर्दू में लिख रहे होते हैं, स्पेशली हम पाकिस्तानी, तो उर्दू में लिखने के लिए हमारे पास कोई अच्छा सा जो है ना वो फॉन्ट नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे उर्दू के हैं हमें चाहिए, ठीक है ये हैं हमें फ़र्ज़ करो डिफरेंट स्टाइल में चाहिए, वो किस तरीके से कहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे चेक करें कोई उर्दू का फॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लास्ट टाइम हमने इस तरह का थंबनेल क्रिएट करना सीखा था, ठीक है किस तरीके से क्रिएट करेंगे, वो वाली वीडियो आपने देख लेनी है। अब चलते हैं देखते हैं हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे। सबसे पहले आपने आ जाना है किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एक न्यू टैब आपने ओपन कर लेनी है, मेरी ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है, यहाँ पे ठीक है सर्च में लिखना है ये, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँ बेस्ट उर्दू फॉन्ट्स फॉर पिक्सल लैब। पिक्सल लैब हम यूज़ कर रहे हैं थंबनेल बनाने के लिए, आपने सर्च कर लेना है। तो टॉप पे जो वेबसाइट आ रही है ये बेस्ट है, ठीक है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। एक दूसरा आपने ये जमील नूरी वाला, ये बेहतरीन फॉन्ट है, ये भी आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं जमील नूरी को ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में और यहाँ पे फॉन्ट भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं जमील नूरी को किस तरीके से डाउनलोड करना है, ये चेक करें। बड़ा बेहतरीन फॉन्ट नज़र आ रहा है, बड़ी अच्छी लिखाई जो है ना इसकी यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि यू आर डाउनलोडिंग विल स्टार्ट लेटर। ठीक है, ये चेक करें, ये यहाँ पे आ रहा है कुछ ही देर में आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं तो हमारे सामने वो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो नहीं होता तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक केयर पे, तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आ चुका है, आपने डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है तो ये जो है ना आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। सेम इसी तरह से ये जो अभी हमने फॉन्ट्स ओपन किए, ये चेक करें टॉप पे आ रहा है जमील नूरी, ये भी जमील नूरी है। ठीक है, ये भी बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप नीचे करेंगे, ये चेक करें, ये भी बड़ा बेहतरीन जो है ना वो फॉन्ट है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है डाउनलोड पे, तो सेम उसी तरीके से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आगे आ रहा है व्यू ऑल फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो और ये भी प्यारा नज़र आ रहा है, तो सारे आपने डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपने गूगल में लिखना है। ठीक है, अगर इंग्लिश के कोई डिफरेंट स्टाइल आपने डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पे लिखने हैं इंग्लिश, ठीक है फॉन्ट्स फॉर पिक्सल लैब। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से आपने लिख लेना है और जो टॉप पे वेबसाइट आएगी वो आपने ओपन कर लेनी है। ये चेक करें इंग्लिश फॉन्ट्स, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश फॉन्ट्स और इस वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने एक डाउनलोड कर दी है। ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए ये टैब मैं क्लोज़ कर दूंगा। ठीक है, अब आपने आ जाना अपने फाइल मैनेजर में, हम फाइल मैनेजर ओपन करते हैं और जहाँ पे आपने डाउनलोड किया जिस लोकेशन पे, मैंने डाउनलोड वाले फोल्डर में डाउनलोड किया और यहाँ पे ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, जमील नूरी, ये अभी फॉन्ट डाउनलोड किया है जेप फाइल में। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आप कोई भी जो है ना फाइल एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये चेक करें, ये एक्सट्रैक्टेड हो चुका है, ये फोल्डर आ चुका है हमारा। ठीक है, इसमें हम जाएंगे और इसके अंदर जाएंगे, ये जो फाइल हमें नज़र आ रही है ये फॉन्ट वाली फाइल है। ठीक है, आपने इसको यहाँ से करना है कॉपी। ठीक है, कॉपी किया और बैक आ जाना है
और एक यहाँ पे फोल्डर बना लेना है। मैंने ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, पिक्सल लैब फॉन्ट्स। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है तो मैं स्किप कर रहा हूँ। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, पिक्सल लैब ऐप में, ठीक है, अब हम फॉन्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप आ जाएंगे, ये वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो आपने देख लेनी है। तो आपने क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करके आपने फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। फॉन्ट के ऊपर आए और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा माय फॉन्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब क्योंकि हमने फोल्डर के अंदर रखा हुआ है तो पूरा फोल्डर इंपोर्ट कराना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक आध फाइल है तो वो आपने यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो वो पूछ रहा है जी आप सेलेक्ट करें फोल्डर, तो यहाँ पे ये जो हमारा फोल्डर है ये नज़र आ रहा है जिसमें हमने फॉन्ट से रखे हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऐड डायरेक्टरी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये चेक करें, काफ़ी सारे फॉन्ट हमें नज़र आ रहे हैं और सेलेक्टेड भी हैं, ठीक है। ऐड डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे, ये चेक करें जितने हमने डाउनलोड किए हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी लोकेशन भी आ रही है जहाँ पे हमने रखे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे हो गए फॉन्ट्स, यहाँ पे जो अच्छा नहीं लग रहा डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने जो उर्दू वाले ऐड किए हैं ना वो इसमें हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपने ओके करना है। और अब हम मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके सामने कोई नया टैक्स ऐड करके चेक करा देता हूँ, ठीक है। ऐड टैक्स पे गया, अब मैंने लिखना है यहाँ पे उर्दू में, ठीक है। उर्दू में लिखने के लिए यहाँ पे मैं लिख उर्दू वाला कीबोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से उर्दू आ गई है, यहाँ पे मैं उर्दू में लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने उर्दू में लिख लिए, ओके प्रेस करता हूँ और इसको मैं कलर दे दूँ, ये चेक करें, जस्ट आपको समझाने के लिए है। अब चलते हैं फॉन्ट में, ठीक है। हम फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे माय फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा होगा जमील नूरी, ठीक है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी है, ये चेक करें, मैं क्लिक कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको जो फॉन्ट है ना वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख लें किस तरीके से वो चेंज हो रहा है, बड़े बेहतरीन, ठीक है। यहाँ पे अक्सर यूज़ करते हैं जमील नूरी, एक तो ये है जमील नूरी, ठीक है, ये चेक करें, मैं ओके करता हूँ तो ये बड़ा बेहतरीन नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर डिफरेंट मैं आपको टेस्ट करा दूँ कौन कौन से हैं, ये भी है, ठीक है, ये बड़ा बेहतरीन नज़र आ रहा है, ये चेक करें। यहाँ पे जमील नूरी जो है ना ये चेक करें, यहाँ पे ये एक नज़र आ रहा है आपको, ये भी बड़ा बेहतरीन है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये चेक करें, बेहतरीन, ये चेक करें। यही तो हम अक्सर यूट्यूबर ने लगाया होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे ये चेक करें, मेन मकसद था कि आप जो है ना अपने थंबनेल के ऊपर उर्दू में एक बेहतरीन फॉन्ट के साथ किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये चेक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमने ये सीखा है कि हम जो है ना फॉन्ट किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, डिफरेंट स्टाइल फॉन्ट समझ लें, स्टाइल हैं लिखने के, ठीक है। और यहाँ पे आपको लाइव डेमो भी नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ उस लिहाज से जो है ना वो ये चेक करें, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब ये है कि ये चेक करें कि आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से आप उर्दू में थंबनेल के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। YouTube चैनल की सीरीज़ स्टार्टेड है, ठीक है, अगर आपने चैनल
पे विज़िट नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।